हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं बहुत ही यूनिक सा मेकअप के बारे में और हमारी जो स्किन केयर है इसके रिगार्डिंग एक टिप्स लेके आई हूँ आप लोगों के पास। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो मेकअप को यूज़ करते हैं, वो मेकअप को यूज़ करते समय हम लोग जैसे प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सीलर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर हम लोग उस वे मेकअप को कोई ट्रैवल मेकअप, हाउ टू डू ट्रैवल मेकअप, अगर इस पर एक व्लॉग बनाया जाए आज, क्योंकि ट्रैवल मेकअप में तो इतने सारी चीज़ें कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम किस तरह के मेकअप्स ट्रैवल मेकअप में यूज़ कर सकते हैं उसकी रिगार्डिंग हम आपको एक टिप्स बताएंगे। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस, बिकॉज़ माई थ्रोट इज़ नॉट वेल एट ऑल, दैट्स द रीज़न। सो एनी वे, वो ट्रैवल मेकअप के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे पर्टिकुलरली हम लोग पहले ही यूज़ कर लेंगे कोई फाउंडेशन, वो फाउंडेशन को ठंडे पानी में हमेशा मिला के स्किन पे लगाएंगे। इससे क्या होता है, फाउंडेशन का ग्लो बहुत चमकीला होता है और फाउंडेशन में से एक इन्हेंस इनर ब्यूटी आता है जो स्किन को ऑटोमेटिकली बहुत ही हेल्दी रखने में मदद करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, हम लोग अगर बीबी क्रीम के साथ उस फाउंडेशन को ठंडा पानी को मिला के लगा सकते हैं, तो कंसीलर का भी काम हो जाता है और मेकअप का भी काम हो जाता है और सिंगल कोट में ही हो जाता है। और जिसका ज़्यादा डार्क सर्कल्स या डार्क पैचेस है उसका डबल कोट लगता है, तो उसमें कंप्लीट हो जाता है। और कोई एक लिपस्टिक हम कैरी कर सकते हैं, आईलाइनर और काजल तो कंपलसरी होता है। आप लोग आईलाइनर पेन यूज़ कर सकते हैं, जिसको काजल में भी लगा सकते हैं और आईलाइनर में भी लगा सकते हैं, इससे आपका मेकअप टाइम कम हो। और लिपस्टिक के बदले में आप लिपस्टिक का जो ब्लशर आता है, जो ब्लशर रहेगा उसके साथ साथ लिपस्टिक भी यूज़ कर पाएंगे, कोई एक मटेरियल आप कैरी कर पाएंगे। मतलब टोटल आपका, जैसे हम लोग को लिपस्टिक अलग से कैरी करना पड़ता है, लिक्विड लिपस्टिक हो मैट लिपस्टिक हो, तो आप लोग लिपस्टिक और ब्रशर को मिला के एक मटेरियल या दो मटेरियल कैरी कीजिए। आप लोग आईलाइनर पेंसिल के साथ आप लोग काजल का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो काजल के लिए आप अलग से कैरी कीजिए। आईलाइनर पेंसिल भी कर सकते हैं, मस्कारा भी कर सकते हैं, एज यू विश। और आई शेडो में जो लिपस्टिक और चिकबोन्स को हाईलाइट करने के लिए जो आपका ब्लशर आता है, वही आई शेडो में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आई शेडो पैलेट छोटा सा यूज़ कीजिए। और उसके साथ साथ फेस के मेकअप के लिए बता ही दिया है, प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली ठंडा पानी मिलाइए, इससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगा, पिंपल्स भी नहीं आएगा और प्राइमर का वेस्टेज ऑफ मनी आप बचा सकते हैं। और सिंपली जस्ट आप लोग उसमें फाउंडेशन और बीबी लगा के यूज़ कर सकते हैं, जो प्राइमर कंसीलर सारी चीज़ों का काम करता है। किस किस को इस हैक्स के बारे में नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो डेफिनेटली इस हैक्स को अप्लाई कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ढेर सारे ब्यूटी हैक्स और ब्यूटी टिप्स के बारे में मैं आप लोगों को बता पाऊँ। बाय फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ स्टे ट्यून्ड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वेरी टायर्ड, सो आई एम क्लोजिंग ऑफ राइट नाउ।